दोस्तों, साउथ के अभिनेता प्रभास उन अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साउथ के स्टार प्रभास ने अपनी फिल्म बाहुबली से दुनिया भर में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। इस फिल्म के बाद प्रभास के फैंस की संख्या करोड़ों में हो चुकी है। उनके फैंस उनके आने वाली फिल्म से बहुत उम्मीद रखते हैं और उनकी फिल्म्स का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। फिलहाल प्रभास अपनी आने वाली फिल्म राधे श्याम के लिए चर्चित हैं और फैंस भी उनकी फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। प्रभास अपने फैंस के बीच अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं, उससे भी ज़्यादा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो इसलिए आज हम आपको प्रभास की रियल लाइफ फैमिली और वाइफ से रूबरू करवाने जा रहे हैं। प्रभास के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले अभिनेता का नाम उपलापति वेंकटा सूर्यनारायण प्रभास राजू है। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1979 को तमिलनाडु की हिंदू फैमिली में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम प्रबोध है और बहन का नाम प्रगति है। अपने तीनों भाई बहनों में ये सबसे छोटे हैं। पिता का नाम सूर्यनारायण राजू है जो कि प्रोफेशनल से एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनकी माताजी का नाम शिवा कुमारी है जो कि एक हाउसवाइफ हैं। आपको बता दें, प्रभास ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डीएनआर भीमराव स्कूल से पूरी की है। उसके बाद बीटेक की डिग्री हैदराबाद के कॉलेज श्री चेतन से हासिल की है। प्रभास ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 में अपनी तेलुगु फिल्म ऐश्वर से की थी, लेकिन इससे उन्हें कोई ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी। उसके बाद उनकी 2004 में आई फिल्म वर्षम में उन्होंने अपने आप को एक हीरो के रूप में स्थापित कर लिया। उसके बाद प्रभास ने कई फिल्मों में जैसे योगी, बिल्ला, रिबेल, छत्रपति आदि में काम किया। इनमें से कई फिल्में हिट भी रहीं। वैसे तो प्रभास ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनमें से उन्हें प्रसिद्धि SS राजामौली की बाहुबली और बाहुबली 2 से मिली। इस सब्जेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रभास ने ना जाने कितनी फिल्मों के ऑफर छोड़े। उनकी जगह अगर कोई और एक्टर होता तो शायद इतना लंबा वक्त अपने करियर का और किसी फिल्म को ना देता। इस फिल्म को प्रभास ने अपने 5 साल दिए हैं। इसे लेकर एक बार प्रभास ने कहा था कि SS राजामौली सर की बाहुबली के लिए वे 5 तो क्या 7 साल भी दे सकते थे। आपको प्रभास की रियल लाइफ पार्टनर के बारे में बताने से पहले उनके बारे में एक चौंकाने वाली बात बता दें। एक बार मीडिया से बात करते हुए प्रभास ने कहा था कि जो भी उनके फ़ैन हैं जो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं और जो भी मेरी कोई फिल्म रिलीज़ होती है या कोई पोस्टर रिलीज़ होता है तो टिकट पर 500 से 1000 रुपये खर्च करने की जगह वह बिरयानी पैक करवाएं और अपने परिवार के साथ खाएं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ऐसे में अगर हम बात करें प्रभास की रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। तेलुगु की लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली अनुष्का शेट्टी के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, लेकिन ये दोनों सितारे एक दूसरे को महज अच्छा दोस्त बताते हैं। बावजूद इसके इनकी जोड़ी को एक साथ देखने के लिए फैंस एक्साइटेड होते हैं। हाल ही में एक ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जिससे इन दोनों को साथ देखने वाले फैंस को झटका लगेगा। मीडिया की माने तो प्रभास जल्दी ही शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अनुष्का शेट्टी से नहीं बल्कि उनकी होने वाली दुल्हन NRI बताई जा रही है। तेलुगु नेट की रिपोर्ट की माने तो प्रभास अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर फर्म के फाउंडर की बेटी के साथ शादी करने वाले हैं। ये एक अरेंज मैरिज होने वाली है जिसके लिए दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी हो चुकी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रभास ने भी खुद शादी के लिए हरी झंडी दिखा दी है। प्रभास के परिवार वाले शादी की तैयारियों में जुट चुके हैं, तो हमें भी इंतज़ार रहेगा इस सुपर हीरो की शादी का। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।